ബ്രഹ്മകുണ്ട് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അക്രോസ് ഇന്ത്യ ആർ വിസിറ്റിംഗ് ഹിയർ ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി എസ്പെഷ്യലി ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് മകർ സംക്രാന്തി 14 നവംബർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് വൈ ടേക്കിംഗ് എ ഹോളി ഡിപ് ഇൻ ദിസ് ഫുഡ് ഓൾ ദ സിൻസ് വിൽ ബി വാഷ്ഡ് അവേ हेलो फ्रेंड्स विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर फ्रॉम अस मेरा साथ में है सेम टू यू सर या मेरा साथ में है मेरा सीनियर कोलीग कबीर सिंह सर है उनका फैमिली है हम लोग सोचे आज परशुराम बाबा का दर्शन करेंगे ना सर ओके परशुराम बताए सर कुंड के बारे में उधर बात करेंगे हम बात करेंगे हेलो फ्रेंड्स परशुराम कुंड का यात्रा पे हम लोग हैं और आज 1 जनवरी में हम लोग प्लानिंग किया नायर सर का साथ में ये उनका कृपा है उनका साथ में हम लोग जा रहे हैं परशुराम कुंड दर्शन के लिए और परशुराम कुंड का विशेष महत्व है मकर संक्रांति और जनवरी के महीने में तो उम्मीद है हम लोग अब परशुराम कुंड पहुंचेंगे और वहां से फिर बात करेंगे आप सभी से उसके महत्व के बारे में परशुराम कुंड इज वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेट पिलग्रिमेज सेंटर व्हिच इज लोकेटेड इन द लॉन्गेस्ट रीचेस ऑफ लोहित रिवर व्हिच इज इन द लोहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इंडिया दोस्तों हम लोग धामसा डिस्ट्रिक्ट को पीछे कर दिया अभी एंटर हो गया लोहित दिस इज द डेयरी मार्केट एट मदो ऑफ लोहित डिस्ट्रिक्ट काफी बड़ा मार्केट है आप ये देखिए यही रास्ता है राइट साइड दिखा दे रहा है यही है कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रास्ता यहाँ से कितना दूर होगा सर ये सेंचुरी स्टार्ट है सर स्टार्ट हो गया ये भी वाइल्ड लाइफ का सब पार्ट है ओके अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कमलांग रिवर इज ऑलमोस्ट नियर टू अस बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है कमलांग रिवर हम लोग कई बार आ चुका है कितना सुंदर व्यू मिल रहा है हम लोग को है ना अभी हम लोगों को गाड़ी रुकेगा थोड़ी देर गाड़ी रुक करके दिखाऊंगा मैंने ये कमलांग रिवर को दिखाएगा यहाँ पे शिव जी का एक मंदिर भी दिखा दे रहा है दोस्तों दिस इज कमलांग कमलांग इज वेरी वेरी फेमस फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द रिवर द सीनिक ब्यूटी आप देखे तो चारों तरफ लश ग्रीन फॉरेस्ट जस्ट आई एम जस्ट शोइंग द व्यू ऑफ द सीनिक ब्यूटी ऑफ कमलांग कट जाएगा अभी अभी हम लोग गार्ड स्टार्ट किया है अभी फरसागुंडा तरफ जा रहा है वाया वक्रो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर से फरसागुंडा अभी पूरा पहाड़ दिखाई देगा काफी ठंडा भी आज अरुणाचल है ठंडा का मौसम शुरू हो गया एक बहुत ही अच्छा जगह है हिल स्टेशन क्या और यहाँ ये फुटहिल है ओके का फुटहिल है काफी विंडी होता है और गर्मी यहाँ नहीं पड़ती है ओके और वेदर बहुत फाइन रहता है यहाँ पे ओह दैट्स गुड और ये गेटवे ऑफ परशुराम कुंड है यहाँ से परशुराम कुंड का गेट शुरू हो जाता है 15 किलोमीटर अवे परशुराम कुंड है यहाँ से और परशुराम कुंड का भी यात्रा यहाँ से वाक्रो से शुरू होता है वाक्रो पहले ऑरेंज के लिए बहुत फेमस था हाय जोटो हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर अरे दोनों को हाय दोस्तों वी हैव रीच परशुराम कुंड ये मंदिर है राइट साइड में मंदिर मिलेगा लेफ्ट साइड देखे तो लोहित रिवर सीधा ब्रिज में चल के एट द लोवेस्ट रीचेस ऑफ लोहित रिवर वी फाइंड द परशुराम कुंड हाय फ्रेंड्स वी हैव रीच्ड परशुराम कुंड दिस इज द आई एम स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज ऑफ लोहित रिवर आप देखे तो परशुराम ब्रह्मकुंड आपको दिखा दे रहा है यहाँ से देखे हम लोग वहाँ पहुंचेंगे वहां जाएंगे हम लोग ब्रह्मकुंड पहुंचेंगे वहां पहुंचने के लिए ऊपर से 200 स्टेप्स होता है और ये स्टीप स्टेप्स मैं दिखाऊंगा आप लोग दिस इज द ब्यूटी ऑफ परशुराम कुंड हाय हाउ ब्यूटीफुल व्हाट ए ब्यूटी पूरा ही पूरा ग्रीन डार्क ग्रीन प्रोफेशनल हुआ ये ब्रिज 2004 और ये ब्रिज इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से अंजाव डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट होता है और अंजाव मालूम है ये किबितो चाइना बॉर्डर है यहाँ से
और ये हवाई वालंग बहुत स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू है। लॉर्ड परशुराम टेम्पल की तरफ जा रहे हैं हम लोग। काफ़ी कंस्ट्रक्शन दिखा दे रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट। ये कुंड की तरफ जाने के लिए रास्ता स्टेप्स शुरू हो गया। हम लोग बहुत खुश हुआ है परशुराम कुंड का हेड प्रीस्ट है, परशुराम बाबा हेड प्रीस्ट है, बाबा का उनसे बहुत खुश हुआ हम लोग। बाबा काफी चेंज दिखा रहा है। हाँ, कुछ तो चल रहा है, भगवान का कृपा, भगवान का कृपा से काफी चेंज दिखा दे रहा है। बहुत चेंज और आगे हो जाएगा चेंज। जी जी, लगा है लोग, सबका ध्यान आया, सेंट्रल का ध्यान आया है, वो लोग भी अभी इस पर पूरा पड़ गया है, सबका हेल्प कर रहा है और करेगा। एक समय तो पानी का यहाँ दुर्लभ रहा। सही बात। जी 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 जी, उस समय एक समय ऐसा रहा कि यहाँ एक गिलास भर जाओ, एक गिलास पानी के लिए दुर्लभ रहा। जी 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 जी, सही में, क्योंकि हम लोग भी 20-22 साल हो गए यहाँ पे, हम लोग काफी चेंज की तरह खुश है। हम लोग नहीं, घाट नहीं, आने जाने का साधन नहीं, सारा मुसीबतें दिखते रहा। आज तो भगवान दया से रोड यहाँ तक आ गया, पब्लिक आने जाने का सुविधा हो गया और आगे होगा ही। लगा है जब सबका नजर आ गया है तो कुछ होगा। बाबा मूर्ति किधर बन रहा है? मूर्ति बनेगा नदी में। और नदी में बनेगा? अच्छा, नदी में बनाएगा। हाँ, और बीच में बनेगा जैसे हरिद्वार में। अच्छा अच्छा अच्छा, खुला वहाँ कोई पब्लिक जाएगा, वहाँ जाने आने का नहीं। अच्छा, ये हम लोग का परशुराम कुंड के बड़ा महंत पिछले जैसे। हाँ, ये बताए सर, सर अब बाबा जो है ये हमारे जिले के हैं। हाँ, बनारस जिले के। बहुत सौभाग्य की बात है, इसलिए तो 62 बरस यहाँ हुआ बाबा जी। 62 वर्ष से बाबा यहाँ पे है, बड़ा महंत है ना, सबसे बड़ा महंत। पीठ जो है इस धाम के बाबा महंत है। महंत है और इन्हीं का देख रेख में सब का यहाँ साधु लोग रहते हैं, भंडारा होता है, बाहर से लोग आते हैं और इनके आशीर्वाद से सब यहाँ फलीभूत हो रहा है। यहाँ एक जो सामने मूर्ति हमेशा जी आया था, हमेशा बैठाया। अच्छा, जी क्या हाथ से हुआ? हाँ, ये सामने हम सामने देखेंगे, हम देखेंगे, वो आएगा तो मोदी के हाथ से। अच्छा, मोदी जी करेंगे? अच्छा, इतना खुशखबर है। ये सब प्रभाव परशुराम भगवान का है, भगवान का आशीर्वाद है कि सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर। खेला उसी का, खेला उन्हीं का है। आपने देख पे किया है कि यहाँ क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति? अरे ये सब कुछ नहीं था ना। हाँ, आने जाने के लिए बहुत तकलीफ था। बाबा का एक तो खाली यहाँ पे सेट था, वो भी हवा में उड़ जाता था, उड़ जाएगा फिर बनाएगा, कोल के पत्ता में रहा, बहुत खेल के बनाया, खेल से चीना नदी में 17 गो मिला, थोड़ा बढ़िया मिला, 9 गो रेल लाइन मिला, अभी रेल लाइन हैवे करे, अभी रेलवे लाइन भी आ रहा है, पास से टॉपर आ रहा है, आएगा करके नदी से, नदी से चीन का। अच्छा, शुरुआत वही जड़ है मेरा बैठने का, बैठने का। मैं ऐसे बाबा का परिचय कर रहा है और बाबा कुछ खाता नहीं है, सिर्फ किसका सेवा? कुछ लेना लगभग 20 साल हो गया ना बाबा। हाँ, 20 साल से आलू पर ही रहते हैं। आलू, ये बाबा ने सिर्फ आलू खाता है। आप परशुराम बाबा का देखिए, संगेद में पिछले 40 साल से ये बाबा यहाँ में रहता है, कुछ भी खाता नहीं, पिछले 20 साल से खाली आलू खाता है, वो भी बिना नमक का। इसका सविशेषता क्या है? ये जो दिखाई दे रहा है, हाँ, ये अखंड धुनी है। हाँ, और बाबा जब से यहाँ पे आए हैं, हाँ, तब से ये धुनी चल रही है। अच्छा, कहीं बंद नहीं हुआ? हाँ, पूजा पूजा नहीं, अखंड धुनी है, अखंड धुनी है। और यहीं पे बाबा बैठते हैं, यहाँ पूजा भी करते हैं, उनका अधिकांश समय यहीं पर बीतता है, यहाँ बीतता है। उनके जो शिष्य लोग हैं वो भी इसी कक्ष में रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये अखंड धुनी का बहुत महत्व है, यहाँ से लोग बहुत लेके जाते हैं और ये अग्नि इसके सामने केवल हाथ आप कर सकते हैं, पैर करके नहीं बैठ सकते। अभी सब लोग यही बाबा को देखिए, बिना कपड़ा देखे तो, इतना ठंडा का मौसम है, देखिए कोई स्वेटर नहीं है, ना स्वेटर ना बेनियन है, देखे तो आराम से, यही है परशुराम कुंड का महत्व। हवा देखिए परशुराम कुंड में आई, हम लोग आते रहता है ना, हम लोग आते ही रहता है, कितना साल से आता रहता है। मैं आपके ये यूजर्स को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, एक बार परशुराम कुंड में टाइकून देखने के लिए आइए। अमेरिका में देखा होगा, फिर इंडिया में आपको परशुराम कुंड में देखिए आगे। टाइकून टाइफून टाइफून हवा, हम तरफ ब्रह्मकुंड जाके आएगा, घूम के आएंगे। रोड परशुराम का टेम्पल, दर्शन हो गया? हाँ, दर्शन हो गया। कैसा लग रहा? अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? अच्छा।
भगवान का दर्शन करेंगे। अभी हम लोग ब्रह्मकुंड की तरफ जाएंगे। अभी हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर अपना बच्चा जी। अपना बच्चा थैंक यू। अभी आया तो अभी आया कैसे 22 हम लोग का 2022 मई 21 को अमित शाह जी ने अनवेल किया वाला परशुराम बाबा का स्टैचू है, लॉर्ड परशुराम का स्टैचू विच वॉज अनवेल्ड बाई ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी on 21st May 2022, right sir? Right. Yeah. काफी मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नया नया मंदिर लेता है ना सर? ये पहले से बना हुआ है, पहले से बना हुआ है, काफी मॉडिफाई कर चुका है चारों तरफ ये है। या यहाँ पे दिखा दे रहा है विष्णु मंदिर, लॉर्ड विष्णु का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, नया मंदिर है दुर्गा जी का, दुर्गा माँ का मंदिर है। यहाँ पे पूरा ब्रह्मकुंड जाके आ रहे हो? हाँ। कैसे लग रहा है फीलिंग? बहुत अच्छा। कुंड जाके आया? हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू। कैसे लग रहा है एक्सपीरियंस? हैप्पी न्यू ईयर मैम। आई हैप्पी न्यू ईयर। दिमापुर से आया वाला नानी है, ब्रह्मकुंड का दर्शन करके आ रहा है, पूछेंगे उसका एक्सपीरियंस कैसे लग रहा है। आपको पूरा पूरा आप इतना तकलीफ से नीचे जाके है ना, आपको कैसे लग रहा है बाबा का आशीर्वाद? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है। आप लोग भी अच्छा रहेगा, आप लोग अच्छा रहेगा तो कितना आदमी आएगा देखते हैं। There are 200 steep steps are here to climb down the Brahmakund. देखे तो बढ़िया सर, एकदम ब्रह्मकुंड का तरफ जा रहा है हम लोग। या छोटू आ गया, ये लोग वहाँ से आ रहा है, थक गया थक गया थक गया थक गया, सब लोग थक गया लगता है, चक्रा से मालूम होता है थक गया, थका हुआ है ना। हम लोग कहाँ से आए हो? हम लोग असम का है। असम का, अच्छा अच्छा ठीक है। कैसे लग रहा है फीलिंग्स? अच्छा लगा? अच्छा लगा जी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ना। क्या हुआ, बहुत थके लगता है? कैसे लग रहे हो दर्शन करके? कुंड ब्रह्मकुंड का दर्शन होगी, अच्छा लग रहा है? छोटू देखे तो आओ देख रहा है। देखो ब्रह्मकुंड दिखाई दे रहा है मेरे सामने, थोड़ा स्टेप्स और बाकी है। या देखिए पहुंच रहा है, हम लोग उस तरफ पहुंच रहा है ब्रह्मकुंड का तरफ। कुंड पहुंच गया या देखे तो ये ब्रह्मकुंड है, पहुंच गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल अक्रॉस इंडिया आर विजिटिंग हियर इन द मंथ ऑफ नवंबर डिसंबर जनवरी, एस्पेशली ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति 14 नवंबर। एंड इट इज बिलीव्ड दैट वाइल टेकिंग ए होली डिप इन दिस कुंड ऑल द सिंस विल बी वॉश्ड अवे। इसमें गर्म पानी भी है। यस Here we can find pilgrims. They are taking holy dip in this Brahmakund. आ गई, ये भी आ गई साथ में, थका हुआ था जैसे जैसे आ गई। चलिए मैं गया था ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं पानी गिर रहा है, ये असल में एक्चुअल परशुराम कुंड है, ब्रह्मकुंड। ये
जो जिसका निश्चित स्थान था जहाँ पे उन्होंने कुल्हाड़ी मारा और पाप मुक्त हो गए थे। तो ये पहले जो पहाड़ एक ही था, बाद में जब 1950 का अर्थक्वेक आया उसमें ये पहाड़ दो भाग में बट गया और ये कुंड जो है अलग हो गया, मुख्य नदी उधर हो गई। तो ये ओरिजिनल, और यहाँ पे ये पानी बहुत अंदर और ये गर्म पानी है क्योंकि ये ब्रह्मकुंड ओरिजिनली यहीं पे था। अभी ये ब्रह्मकुंड का एक बचा हुआ हिस्सा यहाँ पे है, तो आते हैं नदी में स्नान करके फिर यहाँ स्नान करते हैं। तो इसका एक महत्व है क्योंकि ओरिजिनल जगह यहीं पे है। यहाँ पे स्नान करना भी एक बड़े भाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का क्या बोलना, दर्शकों के आप लोग भी आ जाइए ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो भी लोग देख रहे हैं आध्यात्मिक रूप से, आपका टूर के पर्पज से, सीनिक ब्यूटी के पर्पज से, और अरुणाचल का जो ये फ्लोरा और फौना का एक रिच प्लेस है, यहाँ पे आपको सीनिक ब्यूटी दिखाई देगी, माउंटेन रीजन्स है पूरा, और यहाँ आके आपको लगेगा कि हम लोग एक रियली एक अलग जगह में आ गया। पिलग्रिम और ऐसे टूरिस्ट, ऐसे टूरिस्ट हैं बोथ वे, यू और कैन बी बोथ, और कैन बी बोथ, कैन बी बोथ, यू कैन विजिट दिस प्लेस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इसको शेयर करना भूलना नहीं है, और मेरा वीडियो को अभी तक यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ये वीडियो को पूरा शेयर भी कीजिएगा ताकि पूरा दुनिया देखे, ताकि सब लोग यहाँ आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या लॉर्ड परशुराम जी क्या दर्शन भी करें, दर्शन भी करें। मैं आप लोगों को भी दिखा रहा है, ये जो है धर्मशाला है, मकर संक्रांति के दिन में यानी 14 जनवरी को जो डिवोटीज, जो पिलग्रिम्स जो बाहर से आएगा उन लोगों को रहने के लिए है ये धर्मशाला है। काफ़ी ज़्यादा है, ये तो दिखाया जा रहा है, ये तो नया ब्लॉक है, ये तो काफ़ी पुराना ब्लॉक है। देखिए तो ये आसाम से आया वाला छोटू लो है, इससे बहुत खुश हुआ मिलकर के। ये मंदिर में काम लगा हुआ है। अच्छा, कब से यहाँ पे आप लोग? 8 महीने वो पिछले 8 महीने से मंदिर में लगा, मंदिर का काम में लगा हुआ है इन लोग। अच्छा, कहाँ पे? नीचे में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ में। ओके ओके, आप लोग सब लोग आसाम में है क्या? आसाम से आ रहे ना। हम लोग पिछले 22 साल से ये नामसा डिस्ट्रिक्ट नामसा डिस्ट्रिक्ट में है, तब से देख रहे हैं ये मंदिर को, हम लोग आना जाना करता है, लेकिन अभी इतना चेंज हो चुका है, अभी काफी चेंज हो चुका है मंदिर में। वी आर वेरी मच हैप्पी टू टेल यू ऑल दैट वी हैव गॉट अ मच मोर डेवलपमेंट एज फार एज द टेम्पल ऑफ परशुराम कुंड इज कंसर्न्ड। सो अभी सब लोग आ जाइए, काफी विकसित हो चुका है, वो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जैसे सार ने बोला है 61 फीट का एक लॉर्ड परशुराम जी का एक स्टैचू मूर्ति को हम लोग लोहित रिवर का बीच में स्थापित करने जा रहा है। मेरा भी चैनल है, सब लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, छोटू का भी सब लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, इनका चैनल है साइबर है, दोनों का चैनल को आप खूब शेयर करते रहना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू ऑल, विश यू ऑल वंस अगेन ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।